अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सरफराज आलम और आप देख रहे हैं इस्लामिक जिक्र। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसी दुआ लेकर आए हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंद था और अपने उम्मतियों को ये कहते थे कि हर नमाज के बाद तुम ये दुआ मांगा करो या हर दुआ में आप ये दुआ मांगा करो, आपको दुनिया और आखिरत में दोनों जगह इतनी चीजें मिलेगी जो शायद कहीं और नहीं मिल सकती। वो कौन सी दुआ है मैं आपको बताऊंगा, तो आप इंशाल्लाह इसको रोज पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपकी हर दुआएं इंशाल्लाह कबूल होगी। लेकिन उससे पहले, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। नाजरीन, हमें बहुत भाई और बहुत बहन लोग दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं और कहते हैं कि सरफराज भाई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हाल हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। यकीन मानिए, हम दुआ भी करते हैं और लोगों से, अपने दोस्तों से दुआ भी करवाते हैं। तो आप भी दुआ करें, क्या करें, न जाने कब किसकी दुआ कबूल हो जाती है। क्या अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और उनके तमाम नेक मकासिद को पूरा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, एक ऐसी दुआ जो हमारे नबी को और हम सब लोगों के नबी को, यानी अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह दुआ पसंद था। यह कुरानी दुआ है, बहुत ही छोटा सा दुआ है जो पसंद था और अपने उम्मती को भी बोला करते थे कि ये दुआ मांगा करो। नाज़रीन, आज ऐसा वक्त हो गया है कि हम कहीं पे रहते हैं तो कोई दुनिया के लिए मांगता है, कोई आखिरत के लिए मांगता है, लेकिन एक ऐसी दुआ है जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों थी, इसीलिए सबसे ज्यादा हमारे नबी को ये दुआ पसंद था। तो आप भी मांगा करें। कौन सी दुआ है मैं आपको बता दूं, जब भी आप नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ा करें, हर नमाज के बाद, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, किसी भी नमाज के बाद, ठीक है, शुरू आखिर में तीन तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बेहतर ये दुरूद इब्राहिमी पढ़े, जो आप नमाज में पढ़ा करते हो आपको याद ही होगा। उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, उसमें ये दुआ जरूर पढ़ा करें। कुछ भी दुआ मांगे तो ये दुआ कौन थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतीना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वकिन अज़ाबन्नार। एक मरतबा और मैं पढ़ के बता दूं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वकिन अज़ाबन्नार। इसका माना है, ए मेरे रब, मुझे अता कर दुनिया में अच्छी चीजें और आखिरत में भी अच्छी चीजें और मरने के बाद, यानी कब्र में। तो नाज़रीन, जहां पर इस दुआ में दुनिया में और आखिरत दोनों चीजों के लिए मांगी जा रही है, तो जहां पर दुनिया और आखिरत की बात हो और वो दोनों चीज अल्लाह नवाजेगा क्योंकि कुरान की आयत है, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप इस वजीफे को हर नमाज के बाद इस दुए को पढ़ा करें क्योंकि कुरानी और हमारे नबी को भी पसंद था। तो जहां पे नबी को पसंद था तो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि जब भी हम ये दुआ मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ को भी कबूल करेगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। नाज़रीन, बात अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताएं। हमारी सोच और इस्लामिक जिक्र की सोचिए कि तमाम मुसलमान भाई और बहन नमाज के पाबंद बने, तो आप भी नमाज पढ़े और नमाज की दावत दे। अगर आपके एक हिदायत से कोई नमाज पढ़ना शुरू करता है तो आप भी इस नेकी में शामिल हो जा रहे हैं। नाज़रीन, बात आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।